तो भाई लोग, लोकी सीजन 2 के आ जाने के बाद सवाल बहुत ज्यादा है और जवाब बहुत ही कम। सीजन 2 में क्या होगा इसको लेकर सभी अपने अंदाजे लगा रहे हैं और मैं भी कुछ कमाल की थ्योरीज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। जैसे कि लोकी अकेला ही टाइम स्लिपिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कांड फर्स्ट सीजन के एंड में हुआ था उसमें तो सिल्वी भी शामिल थी। दूसरा सवाल, अगर टीवीए को विक्टर टाइमली ने शुरू किया था तो ही हू रिमेंस पार्ट 1 में ऐसा क्यों कह रहा था कि टीवीए को उसने शुरू किया था। और सबसे जरूरी बात, हमने देखा कि टीवीए में समय रक्षकों की जगह कैंग मौजूद है, तो फिर टीवीए कोलैप्स कैसे कर रहा है? कहने का मतलब ये है कि कैंग को तो उसे सही कर देना चाहिए था ना। इन सभी सवालों के जवाब मैं तुमको दे सकता हूँ। आगे बोल, नहीं पता। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बस मैंने बनाई हुई थ्योरीज है, जो सही भी हो सकती है और गलत भी, इसलिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस मजे लो। तो अगर हम अपने पहले सवाल पर आए कि आखिर लोकी टाइम में स्लिप क्यों हो रहा है, तो इसके जवाब को जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि टाइम स्लिपिंग होता क्या है। बेसिकली टाइम स्लिपिंग एक तरह से टाइम ट्रैवल ही है। इसमें तुम्हारी बॉडी ही एक टाइम मशीन बन जाती है, जो तुम्हें बिना तुम्हारे मर्जी के पास्ट और प्रेजेंट में ट्रैवल करवाती है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में नहीं, क्योंकि लोकी ने इंग्लिश ट्रेलर में साफ कहा है कि वो पास्ट में और प्रेजेंट में ट्रैवल करता है, ना कि फ्यूचर में। और पता नहीं क्यों हिंदी डबिंग में उसे फ्यूचर और पास्ट बताया गया। और हाँ, एक और बात, ये मल्टीवर्स ट्रैवल बिल्कुल नहीं है। तो अब अगर हम सवाल पर वापिस आए तो सिर्फ लोकी के साथ ही ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट टाइमलाइन में जंप कर चुका है। और इस बात का सबूत ये है कि मॉर्बियस या भी टीवीए का और कोई भी शख्स लोकी को जानता ही नहीं, यानी कि इस टाइमलाइन में लोकी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और करता भी है तो पिछले सीजन की तरह टाइमलाइंस की ब्रांचेस खाता नहीं है। हाँ, मैं सिल्वी की ही बात कर रहा हूँ, जिसके पीछे पिछले सीजन में पूरा टीवीए लगा हुआ था, और इसलिए शायद इस टाइमलाइन में सिल्वी डोनट में या फिर किसी पिज्जा सेंटर में काम करती है। और क्योंकि लोकी को इस टाइमलाइन में होना ही नहीं चाहिए था, तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पर लोकी के साथ ये टाइम स्लिपिंग वाला कांड हो रहा है। भाई लोग, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्पाइडर वर्स में एक अलग यूनिवर्स में जाने के बाद स्पाइडरमैन के साथ हुआ था। हालांकि वो बस ग्लिच मार रहे थे और लोकी सीधा टाइम में फिसलता जा रहा है, पर इसमें हमें एक बात तो समझ में आती है कि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। अब दूसरा अहम सवाल कि टीवीए को कैंग के किस वेरिएंट ने बनाया है, ही हू रिमेंस ने या फिर विक्टर टाइमली ने? क्योंकि ट्रेलर में तुम साफ देख सकते हो कि विक्टर टाइमली के पास वही मशीन है जो टीवीए को चलाती है और मल्टीवर्स की तमाम टाइमलाइंस को जोड़कर रखती है। और हाँ, ये बोलने वाली घड़ी भी तो है इसके पास, अपनी मिस मिनट यानी कि टीवीए इसने बनाया है। लेकिन यार, वहीं पे दूसरी तरफ ही हू रिमेंस का वो भाषण कैसे भूल सकते हैं हम लोग, जिसमें उसने साफ कहा था कि सभी हरामी कैंग को हरा के उसने टीवीए को बनाया था ताकि मल्टीवर्स वॉर को रोका जा सके। तो लफड़ा क्या है? देखो, इसको लेकर मेरे पास दो थ्योरीज है। पहली तो ये कि विक्टर टाइमली ने इस मशीन को बनाया तो जरूर होगा, लेकिन इससे वो कैंग दी कॉन्कर बनना चाहता था, जैसा कि हर कैंग का वेरिएंट चाहता है, यानी कि मल्टीवर्स पर राज करना चाहता था। पर जब कैंग्स मल्टीवर्स वॉर शुरू हुआ तो बाकी कैंग के साथ ही हू रिमेंस ने इसकी भी पुंगी बजा दी और विक्टर टाइमली की बनाई हुई मशीन से टीवीए को बनाया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विक्टर टाइमली ही कैंग हो जो कि टीवीए को बनाने के बाद और सभी कैंग्स को हराने के बाद खुद ही हू रिमेंस बन के रहने लगा। अब देखो, ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है तो इसमें कितनी भी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती है। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि टीवीए जो हो वो अलग अलग टाइमलाइन में हो, यानी कि ही हू रिमेंस का टीवीए एक अलग टाइमलाइन में होगा और वही दूसरी तरफ विक्टर टाइमली का टीवीए एक अलग सेपरेट टाइमलाइन में होगा। यानी कि इस तरह से देखे तो दोनों ने ही टीवीए को बनाया है, पर अलग अलग टाइमलाइन में। अब तुम्हें जो भी मानना हो मान सकते हो, पर पर्सनली मुझे पहली वाली पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि वो अपनी पहले सवाल वाली थ्योरी के हिसाब से एकदम सही बैठती है। वैसे तुम्हें कौन सी सही लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की बारी, आखिर टीवीए बिखर क्यों रहा है? मैं जानता हूँ कि ये सब सिल्वी के ही हू रिमेंस को चाकू घुसेड़ने की वजह से हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात ये है कि जब कैंग का एक वेरिएंट समय रक्षकों की जगह टीवीए को संभाल रहा है तो साला वो ये सब कुछ ठीक भी तो कर सकता है ना, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? और वही पे टाइमलाइन वाली मशीन को भी मॉर्बियस क्यों ठीक कर रहा है? ये तो कैंग का काम होना चाहिए ना भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेन टीवीए वाली टाइमलाइन नहीं है, या तो ये ही हू रिमेंस के मरने की वजह से बनी है या फिर लोकी की चुम्मा चैटिस की वजह से। क्योंकि देखो यार, ये दोनों घटनाएं होने के बाद ही लोकी वहां पर गया था उस टाइमलाइन वाली में जिसमें वो अब है। और अगर तुमने सीजन 1 देखा है तो तुमको पता ही होगा कि जब सिल्वी और लोकी किस करने वाले ही थे तभी टाइमलाइन में भोकाल मच गया था, यानी कि टाइमलाइन की अलग अलग ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो गई थी। तो हो सकता है कि ये उनकी चुम्मा चाटी की वजह से ही हुआ हो।
मे भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये भी पहले से ही एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अनगिनत होने वाली है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि ही हू रिमेंस के मरने के बाद पूरा मल्टीवर्स खतरे में है, यहाँ तक कि कई सारे टाइमलाइन जड़ से मिटने वाली है, क्योंकि कैंग के सारे वेरिएंट आ रहे हैं मल्टीवर्स पर राज करने के लिए। और शायद यही वजह है कि इस टाइमलाइन वाला कैंग भी टीवीए को बचाने या फिर इस मशीन को ठीक करने नहीं आया, क्योंकि वो इस मल्टीवर्स वॉर में शामिल होने की तैयारी कर रहा है और लोकी ये सब जानता है, क्योंकि हमें तो पता ही है कि उसे ये सब कुछ खुद ही हू रिमेंस ने ही बताया था, और इसलिए शायद वो पास्ट में मॉर्बियस के साथ टाइमली के पास गया है ताकि मल्टीवर्स को बचा सके। और भालो, अगर तुम इन तीनों सवालों के जवाबों को एक साथ मिलाओगे तो तुम्हें एक ऐसी थ्योरी मिलेगी जिसे तुम लोकी सीजन 2 और सीक्रेट वॉर में क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा सकते हो। वैसे अगर ही हू रिमेंस को सब कुछ पहले से ही पता था कि सिल्वी और लोकी उसे मारने वाले हैं, और नो डाउट कि वो इतना ज्यादा पावरफुल भी था कि इन दोनों को आराम से मार सकता था, तो फिर उसने जानबूझकर ऐसा होने क्यों दिया? जानबूझ के उसने सिल्वी को क्यों उकसाया, जबकि वो जानता था कि सिल्वी के उसे मारते ही एक मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगा जिससे पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ जाएगा। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो डिटेल में बनाऊं तो कमेंट में बस यस लिख देना, या फिर तुम्हें अगर इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं इस पर तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। साथ ही मैंने इसके ट्रेलर को लेकर भी एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाई है जिसमें तुम्हें ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो ऑलमोस्ट सबने मिस कर दी थी पर तुम्हारे भाई ने कवर कर ली, तो एक बार उसे जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।